जामताड़ा में सत्याग्रह पे बैठे विधायक इरफान अंसारी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने आंदोलन स्थल पे जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की, साथ ही नारियल पानी भी पिला। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जताते हुए सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। बोकारो में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निवीर योजना को लेकर विरोध जताया। कांग्रेसी नेत्री श्वेता सिंह ने इस योजना को वापस लेने की मांग की। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लाल चतुर्वेदी ने लिखा था पुष्प की अभिलाषा में कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं देवों के सर्भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना तुम उस पथ पे एक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। पुष्प की भी यह अभिलाषा होती है कि हम उसके पैर के तलवे के तले कुचले जाएं जो माँ भारती के लिए लड़ने जा रहा है, माँ भारती के लिए मरने जा रहा है, माँ भारती की रक्षा में खड़ा है। और यदि माँ भारती के उन सपूतों को जिस पर हमको नाज है गर्व है, जो माँ के कोख से वो शहादत देने वाला सपूत पैदा होता है, और जब वो सपूत की शहादत होती है तो हमारी देश की माएं आंसू नहीं अंगारे बहाती हैं, लेकिन माँ भारती के लिए जज्बा उनके दिल और दिमाग में और मन में होता है। सुहागिन अपने मांग की सिंदूर को पोंछ डालती है, बहन अपने भाई को शहादत देने को मजबूर करती है देश के लिए, वतन के लिए। और यदि उस जहांबाज सेना में जुड़े सैनिक को यदि हम 4 साल के अनुबंध और ठेकेदारी प्रथा में यदि हम लाने का काम करते हैं तो इस देश की जो हमारी शक्ति है वो सैन्य क्षमता कम होगी। एक अग्निपथ योजना थोपा, बोल मैं बोलती हूँ हर बार आप लोग बिना प्लानिंग के इस तरीके से क्यों योजना हमारे लोगों के ऊपर थोपते हैं? आखिर आपकी मंशा क्या है, करना क्या चाहते हैं आप लोग? बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, बात करते हैं देश के सेवा की, और उसी को आप ठगने का काम करते हैं। पहले आपने देश के पूरे महिलाओं को ठगा, उनके पैसों को चुराया डिमोनेटाइजेशन के नाम पे, उसके बाद आपने यहाँ देश के कानून को ठगा और देश के कानून व्यवस्था को ठगते हैं। 4 स्तंभों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, किसानों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, उनके साथ आप ठगी का काम करते हैं, फिर अब जब बच गए हमारे युवा, आप युवा साथी को भी ठगने का काम कर रहे हैं।